एक सोशल मीडिया पर वीडियो आपका ही वायरल हुआ था, उसमें जो नरवर में बैठक हुई थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीरवा अम्बेडकर भवन में हुई थी, तो उसमें आपने ये कहा था कि 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा होगा, हो सकता है, लेकिन हमारे पास वीडियो में जो वीडियो रियल में वीडियो है ना, कैमरा की वीडियो है, वो हमारे पास डेट बाय वीडियो है जो आपके ही द्वारा कही गई है कि 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या कारण? नहीं, वो कैमरा तो कुछ भी कह सकता है, वो कैमरा में तो सब कुछ बन जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये कहीं ना कहीं से इसको बना देते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों से दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार पूरे बहुमत से आएगी और 150 से पार करेगी, कोई नहीं रोक सकता। आदरणीय जो राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, सब जगह ये बता रहे हैं भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर हो गई है, चाहे वो मनरेगा की बात हो, मैं शिवपुरी की बात करूं, अकेले शिवपुरी में 200 करोड़ का घोटाला है मनरेगा का, उसमें से 100 करोड़ पूरे जिला में और 100 करोड़ का घोटाला अकेले पौरी विधानसभा में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ पूर्व MLA लाखन सिंह बघेल थे, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो वीडियो वायरल हुआ है, तो हम आपको पहले वीडियो दिखा देते हैं, पहले आप वीडियो भी देख लीजिए कि पहले इन्होंने वीडियो में जो नरवर में बैठक हुई थी, भीमराव अम्बेडकर के यहाँ बैठक हुई थी, तो उन्होंने ही बोला था कि 2023 में कांग्रेसी सरकार ना कहते हुए उन्होंने मुंह से निकल गया कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अब ये बोल रहे हैं कि वो तो कैमरा वाले वो तो गोल मलोड़ के बना देते हैं या बीजेपी वाले हैं वो ऐसे वीडियो वायरल कर देते हैं, अब इनके मुंह से देख लीजिए आप वीडियो, पहले वीडियो देखिए उसके बाद कमेंट में बताइए क्या ये MLA द्वारा कहा गया है कि सत्य है कि गलत है, या जो वीडियो बता रही है कि सत्य है। जो आज आए हैं, जिन गरीबों को खाद्यान्न भारतीय जनता पार्टी के नेता खा रहे हैं, जो लोग बीमार हो रहे हैं, ये हमारे कांग्रेस में गरीबों की बरदुआ है, वो उनको लगेंगी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।